सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रवि कुमार और जैसा कि आप जानते हैं मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश है, मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, वो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर अभी आपने कोई भी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पीछे मतलब प्रीवियस सेशन में हमने कुछ वीडियोज़ अपलोड की है, पहले उसे देख लीजिए। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मतलब मैं कहना चाहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा जो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उन्हें लगता है कि वो ज्योमेट्री को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जब हम ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईजी है ज्योमेट्री। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिए आप नॉर्मली उसे 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं ज्योमेट्री। जो ये ज्योमेट्री है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ पहले कि एक अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इसको हमें पूरा अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें टाइप जानने पड़ेंगे, ज्योमेट्री है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमने 10, 12, 11 में कंस्ट्रक्शन टाइप में हमने पढ़ा था, वही ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें थोड़ा डीप जाना होता है। कुछ फॉर्मूलाज है, मतलब कुछ थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेसिस पे हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइस, चलिए हम देख लेते हैं कि हमें ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसके पिलर्स जानेंगे। पिलर्स मींस जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन्हें पहले कवर करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले रेखाएं एवं कोण के बारे में हम बात करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। पहला जो इसका पिलर है वो है ज्योमेट्री का, रेखाएं एवं कोण। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल की, त्रिभुज से बोलता है ट्रायंगल। अभी बताएंगे इसके बारे में, एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे रेखाएं एवं कोण, ट्रायंगल्स। फिर आएगा आपका चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज इसका तीसरा पिलर है। चौथा पिलर है इसका वृत्त, मतलब कि सर्कल। ठीक है, लास्ट वन है, वो भी इंपॉर्टेंट है तो उसे भी लिख लेते हैं, बहुभुज मींस पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। तो इसका ये लास्ट टॉपिक होता है। तो आपको ज्योमेट्री में ये सारी चीजें कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। फिर उसके बाद ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के होते हैं, सर्कल में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद बहुभुज पॉलीगंस। अगर आप इन पांच चीजों को अच्छे से क्लियर कर लो, आपके सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, मैं ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ, एंगल्स और इसके बारे में तो डायरेक्टली हमें चलना ही है टॉपिक पे। ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला है समकोण त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमें जो बात करना है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
isosceles triangle. Last one is Visham Bahu Tribhuj, Scaling Triangle, Scaling Triangle के बारे में बात करेंगे. तो ये है जो basics हैं triangles के, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना. एक और होता है जो हम mention नहीं करते हैं, फिर भी मैं mention कर रहा हूं, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, या आप इसे बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण, कुछ भी बोला जा सकता है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मींस आइसोसेलेस भी मिक्स होगा और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आपने पढ़नी है, ठीक है. अब हम जरा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात कर लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या. सबसे पहले वर्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं स्क्वायर, उसके बाद आएगा आयत, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, उसके बाद जैसे हम बात कर लेते हैं समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जैसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, उसके बाद आ जाएगा जैसे कि हमारा सम चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं रोम्बस, उसके बाद आ जाएगा समलंब चतुर्भुज, शॉर्ट में लिख रहा हूं समलंब चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम. फिर लास्ट जो हम बात करेंगे वो होगा चक्रीय चतुर्भुज. यहां नीचे तक दिख पा रहे हैं क्या अच्छे से? नहीं दिख पा रहे तो ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं इसे. ट्रेपेजियम तो दिख रहा है तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूं. यहां पे समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, जो हमने लास्ट पढ़ना है वो है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यहां नीचे दिख पा रहे ट्रायंगल में समकोण समद्विबाहु, ठीक है, इसे आप समद्विबाहु समकोण ट्रायंगल भी बोल सकते हैं. आई थिंक सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई है. फिर हम बात करेंगे सर्कल की, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज है उसे अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है. बहुभुज के बारे में बात कर लेते हैं अभी इधर. देखिए बहुभुज के अंदर क्या क्या है. बहुभुज मतलब एक ऐसी आकृति जो दो से अधिक रेखाओं से घिरी हो, ठीक है ना. जैसे हम बात कर लेते हैं रेखाएं एवं एंगल्स के अंदर, तो केवल रेखा हो गई कोई, है ना, कोई एंगल्स वगैरह की बातें हो गई. फिर नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर, जिसके अंदर तीन साइडेड होती है ना, तीन वर्टेक्स होती है, एक ऐसी आकृति जो तीन रेखाओं से घिरी हो, ये सारी तीन रेखाओं से घिरी होगी, ठीक है ना. चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाएं, चार भुजाओं की बात हो रही होगी, चार अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. सर्कल के अंदर आपको पता ही है सर्कल. बहुभुज के अंदर क्या क्या पढ़ने. बहुभुज मतलब दो से अधिक भुजा से बनी हुई कोई आकृति, जैसे कि हम ट्रायंगल को भी पॉलीगन बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को भी बोल सकते हैं. उसके ऊपर हम जाएंगे, जैसे सबसे पहले ट्रायंगल त्रिभुज भी एक क्या है, पॉलीगन है. उसके बारे में बात करेंगे चतुर्भुज भी हमारा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है. इसके अंदर तीन भुजाएं हैं, इसके अंदर चार भुजाएं हैं. फिर हम बात करेंगे पंचभुज, पंचभुज, ठीक है ना.
इसके बाद बात करेंगे सस पंच के बाद षष्ठभुज, इसे बोलते हैं पेंटागन, इसे बोलते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ठीक है ना। इसके अंदर चार, इसके अंदर पांच साइडेड होगी। षष्ठभुज मतलब छह भुजाओं वाला, जिसके अंदर छह भुजाएं होगी। फिर आएगा सप्तभुज, हेप्टा, हेप्टागन, हेप्टागन, इसके अंदर कितनी सात भुजाएं, सप्त से दिख रहा है आपको सात। उसके बाद अष्टभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज, ऑक्टागन, यहां तक दिख पा रहे स्टूडेंट्स को? ऑक्टागन मीन्स जिसमें आठ, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस से बन रहा है इसमें एट, जिसके अंदर एट भुजाएं। तो ऐसे चलते चलते हम दस, दस भुज तक बात करेंगे, जिसे बोलते हैं लास्ट है, जैसे दस भुज मतलब दस भुजाओं वाला, जिसे हम डेकागन बोलते हैं, डेकागन। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे, वो पॉलीगन्स वो एकदम लास्ट का टॉपिक है, उसे हमें एकदम लास्ट में उठाना है। तो देखिए आपको आई थिंक सो ये चीजें क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे बहुत इजी लेवल से रेखाएं एवं कोण, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने रेखाएं एवं कोण सबसे पहला टॉपिक लिया है, बहुत इजी है, इधर देखना है। सबसे पहले हम लाइन, रेखाओं के बारे में बात करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो देखिए आपको यहाँ आठ तरह की लाइंस के बारे में बातें करनी है और उसके बारे में आपको समझना है। सरल रेखा, फर्स्ट है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से कोई सीधी लाइन हो, स्ट्रेट एकदम, हमें उसे स्ट्रेट सरल रेखा बोलते हैं। इसके अंदर दो पॉइंट जानने की जरूरत है आपको, क्या अगर मैं यहां कोई पॉइंट बना दूं, यहां बिंदु, और इसे मैं नाम दे दूं ए बी, इसका मतलब ये है कि इस लाइन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब ये है अगर यहां पॉइंट लग गया तो यहां ओवर हो चुका है उस लाइन का, वहां तक ओवर है, समाप्त है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे करूं, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, और मैं यहां ऐसे तीर टाइप में बना दूंगा और इसे भी लिख दूं ए बी, इसका मतलब ये है तीर मींस आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां से भी यहां से, क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक ये मैंने मान लिया पांच सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक भी पांच सेंटीमीटर है, तो हम इसे और बढ़ा सकते हैं, इसको हम दस कर सकते हैं, बीस कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं कर सकते क्योंकि जहां पे पॉइंट एकदम हो गया डॉट, तो इसका मतलब वहां रुक गई लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होगा, देखिए इधर अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसे अब एक लाइन ना इसे काटेगी, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल करेगी, मतलब ऐसे कुछ, ये देखिए, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, इस वाली लाइन को बुलाएगा, मैं नाम दे दूं उसे ए और बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी भी हो सकती है, जैसे मैं बात कर लूं तीन हो गई, ये लो चार हो गई, लेकिन इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो केवल एक ही है, वो कौन सी है, ए बी। तो स्ट्रेट लाइन कितनी भी हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दो या दो से अधिक स्ट्रेट लाइंस अगर बनती है तो उसके बाद हम ए बी एक ऐसे तीर की तरह हम लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगामी रेखा। देखिए एक ऐसा पॉइंट है संगामी रेखा, कॉन्क्यूरेंट लाइन, एक ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत सारे, देखिए एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये जा रही है सारी लाइनें केवल एक ही बिंदु से होकर, तो इन्हें सभी को क्या बोलेंगे, संगामी रेखाएं, क्लियर हुआ, इस सभी को बोलेंगे संगामी रेखा। आई थिंक आपको ये क्लियर है तीनों पॉइंट, स्ट्रेट लाइन आपको बताइए, सीधी लाइन, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल जो ऐसे तीर की तरह जाए काटते हुए, संगामी रेखाएं जो एक पॉइंट पे कितनी ही सारी मतलब रेखाएं मिल जाए, ऊर्ध्वाधर रेखा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटी हुई, कोई भी ऐसे लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे कुछ, जैसे हम फोन रखते हैं अपना तो ये ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, और अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये जैसे इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट क्षैतिज रेखा वर्टिकली, मतलब कोई चीज ऐसे खड़ी
है ना, स्ट्रेट खड़ी एकदम, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, इसे बोलेंगे लेटी हुई। देखिए ये है लेटी हुई और ये खड़ी हुई लाइन, क्लियर हो गया। तो ये है वर्टिकल, ये है लेटी हुई, ऐसे क्लियर हुआ। समानांतर या समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मींस दो लाइंस ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल तब होगी जब इसको हम कितना भी बढ़ा ले आगे और इसको भी कितना बढ़ा ले, आपस में इंटरसेक्ट बिल्कुल भी ना करें, ये याद रखना आपको। जैसे कि मैंने मान लिया ये है पॉइंट ए बी, ये है सी डी, मतलब दो लाइंस है और आपस में वो पैरेलल है। पैरेलल तब होगी जब आप इसको कितनी भी बढ़ा लो, इसको भी कितनी बढ़ा लो, आगे तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब काटेगी नहीं, आपस में नहीं काटेगी ना। अब इसको आपको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब ये जो साइन होता है ऐसे, वो इससे लिए गए ना, डबल एल पैरेलल, और ये पैरेलल है आपस में, तो आपको ये बोलना है ए बी पैरेलल है सी डी के, क्लियर हुआ। आई थिंक सो, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो रेलगाड़ी की पटरियां होती है वो पैरेलल होती है, वो कभी आपस में ऐसे कट करेगी, सीधा चलती जाएगी। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद मतलब अब दो लाइनें हैं, जो एक लाइन ये ए बी और एक लाइन यहां तक दिख रहा है नीचे तक, दूसरी बात करेंगे अगर सी डी, तो सी डी मतलब यहां से मैं ऐसे खींच देता हूँ, ऐसे क्लियर हुआ, नीचे तक नहीं दिख रहा, चलिए कोई नहीं, हम इसे रफ करके ऊपर लिख देते। देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसकी, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इधर देख लेते हैं, इधर तो दिख रहा है अच्छे से, देखिए इधर एक लाइन ये रही ए बी, दूसरी लाइन ये रही सी डी, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो कहीं पे तो काटेगी, ये मान लिया मैंने ओ पर काट रही है, तो आपको बस याद रखना प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को ऐसे काट रही हो, क्रॉस कर रही हो, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या है, पैरेलल लाइन, जो इसको अपोजिट मतलब काटेगी नहीं, एकदम स्ट्रेट चलती जाएगी, ठीक है आपको ये समझ। लास्ट में बात करते हैं लंबवत रेखा, लंबवत रेखा देखिए जैसे कि आपको दिखी रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या होता है, एक ऐसी लाइन आएगी, एक जैसे ये रेखा है ए बी, इसके ऊपर अगर मैंने इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत, लंब एकदम लंब बना रही है ना, परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो ये याद रखेंगे परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है और ये भी 90 डिग्री, क्लियर हुआ। अब जैसे मैं इसे मान लेता हूं ये है एम और ये एन पॉइंट जहां पे मिले, देखिए पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी ए बी, हमने परपेंडिकुलर डाला एम से एन तक, इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसे ए बी परपेंडिकुलर है एम एन के, मतलब एम एन सॉरी एम एन परपेंडिकुलर डाला गया, एम एन जो है परपेंडिकुलर डाला गया किस पर, ए बी पर। वैसे हम दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ये देखो ऐसा, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लंबवत, क्लियर हो गया। तो आई थिंक सो आपको सरल रेखा, तीर, संगामी, ऊर्ध्वाधर, ये ही है रेखाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है और नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि अभी आप देखेंगे ज्योमेट्री कोई छोटा मतलब टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, एक एक चीज़ें अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कोण की। सो गाइस चलिए हम देख लेते हैं एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और एंगल्स मैंने जैसे कि लिख दिए आपके लिए सारे। फर्स्ट बात हम बात करते हैं समकोण, राइट एंगल कौन सा बनता है और कैसे बनता है। अच्छा यहाँ 10 पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं समकोण राइट एंगल, आपको पता है राइट एंगल एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है और बीच में 90 डिग्री बना रहा हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे राइट एंगल। जैसे मैं यहाँ एंगल ए लिख देता हूँ, ये है ए, तो एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का साइन कैसे होता है ये याद रखना हमेशा, ऐसे ये 90 डिग्री का साइन होता है, क्लियर हुआ। तो समकोण हो गया, न्यून कोण, अक्यूट एंगल। अच्छा
जैसे ये मैंने बोला 90 डिग्री, कोई चीज अगर एकदम स्ट्रेट खड़ी है तो वो 90 डिग्री है। देखिए जैसे मेरा हाथ है एकदम 90 डिग्री पे खड़ा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे टेंड कर दूं मतलब झुका दूं तो ये न्यून कोण बन जाएगा। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। ये एक लाइन है और एक मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसका मतलब अगर आप इसे डी से रख करके नापेंगे, डी जो हम यूज करते थे डी, तो आपको दिखेगा स्ट्रेट लाइन यहां से तो ये 90 डिग्री बनाएगा ये पूरा, लेकिन ये जब हमने ऐसे कर दिया है मतलब न्यून कोण अक्यूट एंगल बनाएगा। अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री से कम जितने भी हो, सॉरी हाँ 90 डिग्री से कम एंगल, कम एंगल जितने भी होंगे, जैसे आप 80 मान लो, ठीक है 80 बनाना है तो आपको ऐसा हल्का सा बना सकते हैं इधर, ठीक है आपको 45 बनाना है तो ये शायद 45 भी लग रहा हो आपको, तो 45 भी हो सकता है। क्लियर हुआ? आपको 20 डिग्री बनाना है तो 20 डिग्री कैसे बनेगा, एकदम यहाँ छोटी सी ऐसे स्ट्रेट छोटी सी लाइन, तो ये 20 डिग्री एंगल हो गया। 30 डिग्री बनाना है इससे थोड़ा सा ऊपर, 30 डिग्री, ये पूरा 30 डिग्री एंगल हो गया। तो इस तरह से आपको न्यून कोण याद रखना है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल, मान लो 89, 88, 80, 75, है ना 30, 45, जितने ही मानने हैं वो आप मान सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण, अधिक मतलब अधिक है, न्यून मतलब कम, तो कम 90 से कम, अधिक मतलब 90 से मतलब अप होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक लाइन खींची, अब जैसे ये 90 डिग्री ऐसे बनता था एकदम, अब हम इसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं आगे, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये कितना भी बन सकता है। जैसे कि अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं तो अगर मैं बोल दूं इसे 105 डिग्री, तो हो सकता है आप डी रखें इधर और आप नापे कि 190 से इधर जितने भी जाएंगे 100, 105, 200, 300, 250, 270 ऐसे कुछ चलते जाएंगे, है ना। तो आपके मतलब में अधिक कोण क्या होते हैं, हाँ ये भी याद रखना, मतलब जो 90 से जस्ट मतलब ऊपर हो, 90 से ऊपर जितने भी होंगे वो क्या बनेंगे, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 0 डिग्री, इसमें कोई दोहराई नहीं है, दिख ही रहा है 0 डिग्री मतलब कुछ भी नहीं, 0 है उसका मतलब जो एंगल है वो 0 है, तो उसका तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे आप। 360 डिग्री अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो सर्कल खुद में ही एक क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। जैसे मैं ये लाइन खींच दूं तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, ये 180 डिग्री, और अगर मैं इसको भी कर दूं तो ये 180 डिग्री, तो दोनों को ऐड कर दूं तो 360 डिग्री बनता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, जो एक पूरा सर्कल बनाता है। इसका मतलब कोई भी चीज लो आप, जैसे आपने एक छड़ी ली, आप एक छड़ी है उसको आप पूरा ऐसे गोलाई में मोड़ दो, इसका मतलब वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर आप उसे आधा मोड़ेंगे ऐसे आधा, तो इसका मतलब वो 180 डिग्री बना रहा है। क्लियर हुआ? वृहत कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, इसका मतलब क्या होगा कि जो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम होने चाहिए, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम। अच्छा यहाँ पे दिख पा रहा है अच्छे से, ठीक है ठीक है। इसका मतलब कोई भी एंगल ले लो आप, 180 से अबव होना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया 270, ऐसा कुछ मान लिया 270 आपको डिग्री बनाना है, तो वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल, मतलब वृहत कोण। 270 मान लिया, 280, 300 मान लिया, इसका मतलब 180 से ज्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, मतलब 360 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर देखेंगे वर्टिकली कैसे, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कभी भी आप इस चीज को देखना, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो मतलब काट रही हो किसी को बिंदु पर, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जितना एंगल ये होगा मतलब मान लिया एक्स है, उतना ही एंगल ये होना चाहिए, ये याद रखना। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब जैसे यहां 50 डिग्री लिखा हुआ है तो आप बिना सोचे समझे इसको भी 50 डिग्री कर देंगे। देखो ऐसे कुछ कट करते हुए बन रहे हैं ना। फिर अगर मैं बोलूं ये जब स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है तो ये कितना बचेगा, 130 डिग्री बचेगा ना।
तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ जितना एंगल ये है उतना ही ये होना चाहिए, इसका मतलब ये भी 130 ही बनाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसमें आपको ऐसे दो लाइन कट करके दी होगी तो बीच वाले एंगल आपस में बराबर और इधर वाले आपस में बराबर, बस आपको ये याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटि पूरक क्या होते हैं, इधर देखेंगे। जैसे कि मैं दो एंगल्स ले रहा हूं, दो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री को कंप्लीट कर दे, मतलब दो कोई भी एंगल जो 90 डिग्री बना दे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने एक ये 60 डिग्री बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया 30 डिग्री बना लिया, और इसको अगर मैं ये मैं 30 डिग्री बना लूं और एक और बना लूं 60 डिग्री का, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 6 3 9 90 होते ना। तो दो ऐसे एंगल जो आपको 90 मिला करके दे, जैसे कि हम बोल सकते हैं 45 + 45 = 90, इसका मतलब इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, कोटि पूरक कोण, या हम बोल ले 60 + 60, तो ये को सॉरी 60 + 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आपको पता ही है। तो ऐसे दो कोण कोई भी जो 90 डिग्री बना दे, जैसे कि अगर ये मैं इसको आधा कर दूं तो ये 45 आपको दिख रहा होगा और ये भी 45, तो ये दोनों क्या है, कोटि पूरक कोण, जो 45 45 मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। चलिए हम नाइन्थ पॉइंट की बात कर लें, समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो ऐसे दो कोण जो 180 डिग्री कंप्लीट करें, मतलब 180 डिग्री बनाए, ऐसे दो कोण जो 180 डिग्री बनाए उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि 180 कौन कौन से बना सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, एक मैंने 100 डिग्री बना लिया प्लस में एक 80 डिग्री, तो ये 180 डिग्री बना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या दो 90 के बना लो आप, एक 90 का, यहां तक दिख पा रहे, एक 90 का ये बन गया और दूसरा ये 90 का बन गया, तो ये क्या हो गया 180, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो ऐसे एंगल जो जोड़ करके 180 बनाएंगे उसे आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कितने का भी हो सकता है वो, बस आपको दो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे। लास्ट बात है रिजू, लास्ट पॉइंट है 10th, रिजू कोण, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आपको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। ये पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से इसे ऐसे बना दूँ, सॉरी यहाँ पॉइंट है, तो आपको पता ही कितना बनाएगा 180 डिग्री। तो इसे बोलते हैं रिजू कोण, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट कभी भी आपको सीधी लाइन दिख जाए तो उसका उसके पास ऊपर जो ऊपर या नीचे देखेंगे, ऊपर या नीचे, तो ये हमेशा 180 डिग्री बनाएंगे। ऊपर अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये 180, नीचे भी ये पूरा 180 बनाएगा, और अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूंगा तो वो 360 डिग्री बन जाएगा। आई थिंक सो आपको एंगल्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम अपनी इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं, तो कृपया इसे वॉच जरूर कीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए कि भाई ये समझ नहीं आया या इसको ये चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जब आप तक आप फीडबैक नहीं देंगे हम, तो हम चीज़ें कैसे चेंज कर पाएंगे, है ना। सो एवरीथिंग इज़ अप टू यू, यू हैव टू चेंज। तो इसको ध्यान रखें कि जो भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताएं। तो एंगल्स ही हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सो गाइज अब हम आपको जैसे कि मैंने लाइंस भी करा दिए, एंगल्स भी करा दिए, अब एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, मींस प्रमेय, थ्योरम। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन दी गई है आपको, ये प्रमेय है, थ्योरम है, याद रखने की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, हमने किया था ना ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक, और इसे हम दो पैरेलल लाइन्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या, कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर। तो ये भी इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है पूरी। अब इसके अंदर कुछ थ्योरम बनती है, प्रॉपर्टी बनती है, वो हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले हमने इसके अंदर संगत कोण फाइंड आउट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं पहले मैं बता देता हूं। इधर देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक लाइन है पैरेलल है जो किसके, इसके। अच्छा, इसके ऊपर ये जो एंगल ए बन रही है, मैंने नाम दे रखे हैं ताकि आपको याद आ जाए अच्छे से,
ये जो ऊपर एंगल ए बन रहे हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एंगल ए एक सॉरी बराबर ये होगा किसके, अब नीचे वाले के ऊपर देखो, इस वाली लाइन के ऊपर कौन सा बन रहा है, पांच, तो यहां बोलेंगे एंगल पांच के बराबर होगा। अगर मैं ये बोलूं आपसे यहां 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप इससे भी 30 डिग्री कर देना। नेक्स्ट, अब मैं इसके नीचे वाले की बात करता हूं, स्ट्रेट लाइन के नीचे वाले की, ये तीन की, अगर मैं एंगल तीन की बात करूं, एंगल तीन किसके बराबर होगा, इसके नीचे, मतलब इस लाइन के नीचे क्या है, एंगल सात। आई थिंक सो आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर एंगल दो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन एंगल दो ऊपर वाला ये एंगल दो, एंगल दो जो हमेशा बराबर होगा नीचे वाले के, ये ऊपर वाला है ना, एंगल सिक्स के बराबर होगा। आपको ये थोड़ा सा मतलब याद रखना है माइंड में, देखो ऊपर दो आ रहा है तो इसके ऊपर छह आ रहा है, ये ऊपर एक आ रहा है तो इसके ऊपर पांच आ रहा है, ऐसे ये नीचे चार आ रहा है तो नीचे आठ आ रहा है, मतलब एंगल चार जितना होगा एंगल आठ के बराबर होगा। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। इन्हें बोला जाता है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करें एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ऑल्टरनेट एंगल में ऐसा कुछ जेड देखना है, जेड सीधा वाला या उल्टा जेड देखना है, वो आपके ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। आपको दो, एक सीधा मतलब जेड, दूसरा उल्टा जेड देखना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे, मैं बात करूं इस वाले की, ये देखो ये वाला जो ये बन रहा है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ये जेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे Z, ये Z बन रहा है। इसका मतलब एंगल, ये जो Z बन रहा है इसके Z के अंदर वाला एंगल कौन सा है, तीन। एंगल तीन बराबर किसका किसके होगा, जब मैंने ये Z किया तो इसके अंदर ये अंदर का एंगल है तीन, तो ये यहाँ पे अंदर का एंगल क्या है, छ, तो एंगल छ के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा एकांतर ऑल्टरनेट एंगल। यहां तक दिख रहा है अच्छे से, देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे उल्टा जेड, तो देखिए उल्टा जेड मैं दिखा देता हूं आपको, ये बन रहा, ये लाइन जा रही है और ये यहां से यूं बन रहा है ना, इसका मतलब ऐसे जेड बन रहा है। अब अगर ये चार डिग्री है, मतलब चार डिग्री नहीं सॉरी चौथा एंगल है कुछ भी हो ये, तो हम ये कर सकते हैं कि एंगल फोर डिग्री बराबर, अब इस जेड के अंदर ये वाला एंगल फोर है और ये वाला एंगल है फाइव, तो एंगल फाइव के बराबर होगा। बस आपको ये याद रखना है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। बस इसके अंदर, इस थ्योरम के अंदर दो ही चीज है, कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, मैं दोबारा से वन बाई वन बता रहा हूं। ये मतलब लाइन के ऊपर बन रहा है एक, तो लाइन के ऊपर पांच, पांच के बराबर होगा। इसका मतलब अगर यहाँ तीस दिया है तो इसको भी आप तीस कर देंगे, ठीक है। अगर चार के बारे में बात करें, अगर चार यहाँ पे एंगल दिया हुआ है सत्तर डिग्री, तो नीचे वाला भी कौन सा हो जाएगा, ये आठ वाला सत्तर डिग्री, ठीक है। ऐसे सारे कर लेंगे आप। एकांतर में जेड देखना है आपको, दो स्ट्रेट लाइन हो और एक उसे ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, वहां पे आपको जेड देखना है सीधा या उल्टा। बस आपको ये थ्योरम याद हो गई, इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लेना। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे, चलिए हम आगे बात करते हैं। सो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल्स एंड लाइंस। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी कभी कभार पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं कभी कभार। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन है AB और यहाँ से एक एंगल बना रहा है 70 डिग्री, तो आपको एंगल X बनाना है। बहुत इजी, क्योंकि कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनाता है। जो हमने स्ट्रेट लाइन एंगल पढ़ा था रिजु कोण, ये 180 डिग्री बनाएगा ना, ये पूरा आधा सर्कल 180 डिग्री का होता है। अभी बताइए इसमें से X निकालना है, X प्लस में 70 लिख दूं और बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री बनेगा। x बराबर मैं उधर माइनस करूंगा तो 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110। बहुत इजी। नेक्स्ट देखेंगे AB स्ट्रेट लाइन है और ये तीन एंगल दिए हुए हैं, उसमें x पूछा है हमसे, हम क्या करेंगे, ये तीनों मिला करके 180 डिग्री बनाता है, तो हम करेंगे x प्लस 35 डिग्री प्लस में 45 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस में कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 80, 5 4 3 7, ठीक है, और 180 डिग्री, तो x बराबर उधर ले जाएंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा ना, उधर माइनस करेंगे तो इसका मतलब x कितना हो गया 100 डिग्री।
इसका आंसर। ये देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 80 डिग्री बना रहा है, तो ये 180 में से माइनस कर दो डायरेक्टली, या ऐसे कर लो, कितना बच जाएगा? 100 डिग्री बच जाएगा ये, तो x बराबर 100 डिग्री। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इजी है। स्ट्रेट लाइन है, ए और बी एंगल्स हैं, लेकिन इधर इस वो पढ़ो, कुछ कंडीशन दे रखी है, ए और बी का जो रेशियो है 2:1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, अगर ये 2x है और ये 1x है, इधर देखो एक चीज और, कभी भी आपको कोई भी वैल्यू रेशो में दियो, जैसे 2:1, 3:2, कभी भी, तो आपको सबसे पहले उसको x मान लेना है दोनों को, मतलब 3x और 2x। ऐसे मैंने इसे क्या किया है, 2x मान लिया, ये हो गया 2x और ये 1x, तो मैंने रख दिया a जो है 2x है, b है 1x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री। मैं कर देता हूँ 2x प्लस में 1x बराबर में 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में 3×6 60 डिग्री हो गया। अब उसने एंगल b पूछा है, एंगल b है 1 × में x, x हमारा आया 60, तो हम कर देंगे आंसर है 60 डिग्री, एंगल b इज 60 डिग्री। अगर वो एंगल a की बात करता तो हम क्या करते, इसको 60 से गुणा कर देते, 6×2 = 12, 120 डिग्री होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ये एक स्ट्रेट लाइन, इस पर 3 एंगल दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ x के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो इधर देखते हैं हम क्या करेंगे, x प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20, क्लियर, हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बराबर में 180 डिग्री रख दूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं 180 डिग्री के। यहां देखेंगे ये हो जाएगा 3x, 2 और 1 3x बराबर में, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा उससे 130, और फिर 20 ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 150, तो x बराबर कितना जाएगा 50 डिग्री, तो ये आ गया x बराबर 50 डिग्री, उसने x की बात की। आई थिंक सो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब ये और क्वेश्चंस लेते हैं और इजी से हम एडवांस लेवल तक चलेंगे और पूरा ये एंगल को खत्म करके रहेंगे, और आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छूट जाए तो मुझसे बोलना, एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइस चलिए हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन ये है, दो ऐसे मतलब लाइन है, एंगल ए ओ डी दिया हुआ है, एंगल ए ओ डी, इसका मतलब ये पहले ही मैं बता दूं इस एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बीच वाले एंगल को हमेशा रखा जाता है ना, बीच वाला है 50, तो ए ओ डी, तो ओ में रखा जाएगा 50 डिग्री है ना। अब उसमें मुझे एंगल सी ओ बी, सी ओ बी इसका मतलब बीच वाला एंगल पूछ रहा है, सी ओ बी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अभी हमने किया था इससे पहले हमने किया था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब जितना ये रहा होगा उतना ये रहा होगा, जितना ये रहा होगा उतना ये, तो इसका मतलब ये भी 50 डिग्री रहा होगा। तो उसने पूछा सी ओ बी, 50 डिग्री आंसर, क्योंकि ये सेम तो ये सेम, ये सेम तो ये सेम, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, ये है स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन तो सारी है, एक्स फाइंड आउट करना है। ये देखिए अगर आप इसमें देखो ये सॉरी इस वाले में ये और ये, इन इस लाइन को भूल लो अभी, ये और ये वाली क्या है, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ना ये और ऐसे लाइन, मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है 2x। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा हम सभी मतलब डिग्री हमें मिल गया है, सभी एंगल्स मिल गए हमें, मिल गया 5x भी मिल गया, 2x भी मिल गया, प्लस में 3x भी मिल गया, और तीनों को मिला करके हम 180 डिग्री कर सकते हैं। 5×3 = 8 = 10x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में 18 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, x निकालना था, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि इधर देखिए जब ये 5 इस वाली इस लाइन को भूल जाओ, अब ये और ये बन रहा है, जब ये 5x तो ये भी 5x, अब ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है, तो इन तीनों को ऐड कर दूं 5, 2, 7, 3, 10, तो वही हो जाएगा सेम, उससे भी आंसर आ जाएगा। एट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक अच्छे से दिख रहा है ना, ये देखिए ये है 3x माइनस 10 डिग्री 2x प्लस 30 डिग्री, तो एंगल AOC बताना है, AOC ये वाला एंगल बताना है हमें x। तो पहले हम ये देखते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आपको पता ही है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 2x प्लस में
30 डिग्री बराबर में 3x माइनस में 10 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये और ये एंगल बराबर होते हैं आपस में, तो मैंने बराबर रख दिया। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा बराबर में x, क्योंकि उधर जाके माइनस हो गए, तो x बराबर 40 डिग्री। क्लियर? इधर देखिए, ये 30 था तो इधर उठा के लाया मैं, 40 हो गया, ये उधर ले गया तो x हो गया, 3 में से 2x गए 1x, तो x बचा 40 डिग्री। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 3 इंटू में 40 माइनस में 10, 4 तिया 12, 120 में से 10 गए 110 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा एंगल 110 आया है, तो ये आपको दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना बचा x 70 डिग्री, तो आपका यहाँ जो एंगल AOC है, AOC ये है 70 डिग्री आंसर। आई थिंक सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंगल AOC निकालना है, AOC AOC AOB होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, AOB होना चाहिए इसे, मतलब ये वाला पूरा। इधर देखेंगे, मैं यहाँ पे खुद सेल्फ ड्रॉ करता हूँ कुछ चीजें। सेल्फ ड्रॉ कैसे, देखिए इधर से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली, इसका मतलब ये तीन लाइनें हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन। अब देखिए अगर मैं इसे भी आगे थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, जब ये 120 है तो ये 60। क्लियर? अब ये देखो, ये वही z दिख रहा है, z ये z दिख रहा होगा आपको, तो जब ये 60 है तो ये भी तो 60 रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, z में बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 60 तो ये भी 60, अभी कराया था ना पीछे पर मैं। अब मैं इसको भी थोड़ी आगे बढ़ा देता हूँ, जब ये 130 तो ये कितना 50 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, और ये भी क्या बन रहा है, जेड, इधर देखो ये ऐसे जेड बन रहा है ना, इसमें जब ये 50 तो ये भी 50, तो आ गया देखो आंसर, आपको निकालना है एंगल AOB, इस पूरे एंगल को निकालना है, तो आ गया 6, 5, 11 110 डिग्री। ये हमने सेल्फ ड्रॉ की है एक, ताकि हमें, क्योंकि ये वाला निकालना है इसलिए किए हमने। आई थिंक सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चलिए हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। सो गाइस चलिए हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको ऐसी आकृति दी हुई है, इसके अंदर कुछ कंडीशन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब हम इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं ना, और ये बढ़ाने के लिए साइन भी है। ए बी ओ एंगल ए बी ओ ये दिया हुआ 100 डिग्री, ओ सी डी, ओ सी डी दिया 115, तो आपको निकालना है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये निकालना है, अब उनको x डिग्री निकालना है, तो देखते हैं इधर, अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, अगर ये 100 है तो ये कितना बचा, 80 डिग्री, आपको पता ही है 80 डिग्री बचा। अब इधर देखेंगे, अब इसको भी मैं ऐसे बढ़ा सकता हूं, अगर ये देखो z बन रहा है, ऐसे z बन रहा ना z, जब ये 115 है तो ये भी 115 डिग्री होगा, ये देखो z बन रहा है ना ऐसे उल्टा वाला, जब ये 115 है तो ये भी 115 होगा, अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना बचेगा, 180 में से 115 घटा देते हैं, 5, 7 में से 6, 65, ठीक है ना, ये देखिए 5, 10, 7 बचा, 1, 65 डिग्री है बचा। अब बताओ ये निकालना है तो ये हमें पता है तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 80 + 65 + x = 180 डिग्री, इसको ऐड करेंगे 5, 8, 6, 14 145 प्लस में x बराबर में 180 में से 145 गए तो 5, 7 और ये 35, तो आपका ये जो आंसर आया है BOC 35 डिग्री एकदम सही आंसर। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये आकृति दी है, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, ठीक है, OAB, OAB ये पूरा दिया है 50 डिग्री, OCD, OCD ये दिया है 100, तो हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको इधर कहीं ना कहीं से तो हमें ट्रायंगल बनाना ही है ना, तभी तो 180 डिग्री बनेगा, तो हमने बढ़ा दिया, तो इधर देखेंगे जब ये 50 तो ये ऊपर वाला भी 50,
ना आया सब ये कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब ये 50 तो ये ऊपर वाला ही 50, जब ये स्ट्रेट लाइन ये 100 तो ये कितना बचा 80 बचा, जब ये 50 80 तो ये कितना बचा 8 5 13 130 तो ये बचा 50 50 डिग्री आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ आकृति दी हुई है, उसने बोला है PEF 85 है। अच्छा 85 है तो मैं ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो हम यह ऐसा कर सकते हैं कि जब ये 85 इधर देखो ऐसे देखेंगे इसे हम, ये दो लाइंस है स्ट्रेट और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जब ये 85 तो लाइन से ऊपर भी तो 85 ये, और जब ये 85 तो ये कितना बचा 180 में से माइनस करके 5 इधर बचा नॉट 17 95 तो ये बचा 95। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे जब ये यहां से लेके 115 है तो ये कितना बचा होगा अंदर का, 180 में से 115 लेस कर देता हूं 5 7 में से 65, इसका मतलब ये 65 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें ये 95 पता चल गया है, ये 65 तो ये कितना बचा, अब दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं 95 और 65 जीरो वहां से लेंगे 9 6 15 और 16 160 9 6 15 16 160 डिग्री, तो 180 में से घटा दो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो ये जो x है ये कितना है 20 डिग्री, तो उसने यही पूछा होगा PQR PQR ये पूरा 20 डिग्री। तो आई थिंक सो आपको अच्छे से ये सभी चीजें क्लियर हो गई है, तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कराने चाहिए। बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं आप, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है वॉग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप जानते हैं उसके अंदर ज्योमेट्री अभी स्टार्ट होने ही वाली है, तो अगर आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं। अच्छा वैसे मैंने रेखा एवं एंगल से मतलब लाइन एंड एंगल से सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें अच्छे से। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर। सो गाइस एज आई थिंक सो कि जो हमने अपना अपना 100% ट्राई किया ज्योमेट्री आपको सिखाने के लिए, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, और जितने 1500 कमेंट्स आएंगे उसके बिहाव पे हम अपनी पार्ट टू बनाएंगे ना, ज्योमेट्री पार्ट टू, जिसमें हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ट्रायंगल्स में सारी प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है या जो भी कुछ क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे 8287886768 पर आप फोन करके पता कर सकते हैं कुछ भी क्वेरी हो आपकी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियो को वॉच आउट कर रहे हैं, वो ज़रूर हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी आगे की कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपके मतलब उसी वक्त मतलब आ जाए ना, आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। तो आई थिंक सो मैंने जितना अपना ट्राई किया आपको समझ में आया होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट टू में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।